30 मीटर ऊंचा दरख्त बन जाता है, बहुत खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। अभी आप देख बाबा, इसे गुलदस्ता क्यों कहते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाबा, हम इसे घर में रख सकते हैं एज कट फ्लावर्स या ड्राई अरेंजमेंट्स? ये बहुत सस्ता पौधा है, ये 50 रुपए का, एक 100 रुपीज का बाजार से नर्सरी से इजीली मिल जाता है ग्रो किया हुआ, अगर आप लगाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। ये मेरे हाथ में खूबसूरत से आप फूल देख रहे हैं, ये एक बहुत ही प्यारे दरख्त के हैं और जिसका नाम है गुलनिस्तर। ये हम आए हुए हैं जनाब कहाँ पर? जल्लो पार्क में, और यहाँ पर ये कुछ जगहों पे है और बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो फूल है वो आपको रोक लेता है कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई, आए करीब मेरे, देखें मुझे कैसा है। तो आए अभी इसकी डिटेल्स पे बात करते हैं। ये आप देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं, ये दो दरख्त हैं, लवली। तो आए अभी इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। ये जो खूबसूरत से स्पाइक्स वाला, खूबसूरत से फूलों वाला आप पौधा देख रहे हैं, इसका नाम है गुलनिस्तर। इसको कोरल ट्री भी कहते हैं और एरिथ्रीना बेसिकली इसका नाम है, कॉमन नेम, और इसको कोरल ट्री भी कहते हैं, इंडियन कोरल ट्री भी कहते हैं, और एरिथ्रीना इंडिका और इस तरह की मिलजुल के बहुत सारी इसकी वैराइटीज़ हैं, जिसके अंदर जो इसके फूलों का कलर है, किसी का ज़्यादा रेड है, किसी का कम रेड है, किसी का ऑरेंज है और येलोइश ऑरेंज है। तो इस तरह से इसकी तकरीबन कम बेश 130 वैराइटीज़ हैं। अच्छा जी, ये गुलनिस्तर हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में इसका नाम लिया जाता है, और ये बहुत बड़ा तकरीबन 30 मीटर ऊंचा दरख्त बन जाता है, बहुत खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। अभी आप देखें इस वक्त इसके पत्ते बिल्कुल आलमोस्ट ना दिखाई देने के बराबर हैं और फूल ही फूल हैं, और इसीलिए जो इस तरह के फूलों वाले दरख्त की वैराइटीज़ हैं इनको कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि ये गर्मियों में खिलते हैं, बहार जब ख़त्म हो रही होती है उस वक्त ये खिलते हैं, और उसके बाद जनाब जो आगे पूरी गर्मियाँ 2-3 महीने जब सूरज तेज़ होता है तो ये खिल रहे होते हैं। तो जंगल में अगर कहीं लगे हों फॉरेस्ट में तो दूर से ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई है, इसलिए इसकी इस कैटेगरीज को कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। और घर के अंदर नॉर्मली इसको नहीं लगाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ का दरख्त हो जाता है। हाँ, अगर आपका बड़ा घर है, हवेली है, तो आप उसके अंदर इसको लगा सकते हैं और बाउंड्री वॉल पे, ताकि ये बहुत हाइट पे जाता है। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सीधी है, बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। इट इज़ अ डिसीजुअस ट्री, यानी कि इसके पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद दोबारा इसके पत्ते, अभी ये फूल ख़त्म होंगे तो इसके पत्ते दोबारा नए निकलेंगे और ये लश ग्रीन हो जाएगा। लेकिन ये शेडी ट्री, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसके पूरा साल पते नहीं रहते हैं कुछ दरख्तों की तरह। शैजी, एनीथिंग एल्स आप इस फूल के बारे में जानना चाहें? बाबा, इसे गुलनिस्तर क्यों कहते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गुलनिस्तर इसलिए कहते हैं बेटा, निस्तर क्या होता है? कोई चीज़ जो किसी को चुभोए, कहते हैं ना इसको निस्तर चुभो रहे हैं, यानी कि छुरी कह लें, आप नाइफ़ कह लें। तो इसके जो फूल होते हैं ये आप देखें, ये नाइफ़ की तरह हैं, इसके निस्तर की तरह, तो इसलिए इसको मोस्ट प्रोबेबली गुलनिस्तर कह सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे इसका जो कॉमन नेम है वो कोरल ट्री है। बाबा, इसका कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं। अच्छा जी, ये पता है आपको, ऐसा लगता है कि इसके अंदर पानी होगा? नहीं। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो इसका फूल है इसके अंदर, ये देखें पानी, और तोड़ते हैं सर, देखें ये है। तो इसके हर फूल के अंदर ये देखें, ठीक है, गीला हो गया मेरा हाथ। तो ये इसके अंदर जो फूल के अंदर पानी नेचुरली रुक जाता है, बारिश नहीं है तब भी पानी इसके अंदर मौजूद है, अभी ताज़ा बारिश तो नहीं हुई जी, और जो बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, वो ये वाला पानी आके पीते हैं, खाते हैं। और देखें, अल्लाह पाक ने जितनी भी हमारी चीज़ें पैदा की हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रखी है। बाबा, हम इसे घर में रख सकते हैं एज कट फ्लावर्स या ड्राई अरेंजमेंट्स? ओके, ये देखें, ये बेसिकली आउटडोर ट्री है जी। हम इसको घर में ग्रो तो कर सकते हैं लेकिन इंडोर नहीं रख सकते एज ए इंडोर प्लांट। लेकिन इसके जो फूल हैं, जिस तरह आपने ये टहनी है, ये इजीली टूट जाती है, लेकिन अगर आप इसकी टहनी तोड़ें तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर छोटे छोटे, ये देखें, कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं जी। तो आपने एहतियात से तोड़ना है इसको, अगर आप कटर से काट लें तो ठीक है, वरना ऐसे भी टूट जाती है। तो आप इसको फ्लावर अरेंजमेंट्स के अंदर डाल के, आप इसको पानी वाली बोतल में, किसी वाज में, किसी जार में डाल के,
तो रख सकते हैं, 2-3 दिन आपका घर में चल जाएगा और गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। ठीक है जी, थैंक यू बाबा। बाबा ये जो खूबसूरत सा फूलों वाला दरख्त है, हाँ जी, ये कैसे प्रोपेगेट होता है, इसके बेबी प्लांट्स कैसे बनते हैं? अच्छा बेटा, इसके बीज तो मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन ये इजीली कटिंग से आप इसकी छोटी छोटी 4-4, 5-5 इंच की कटिंग काट के तो आप लगाते हैं तो ये इजीली चल जाता है। और कटिंग लगाने का जो मौसम है वो नॉर्मली फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर होता है, तो उसमें ये इजीली ग्रो कर जाता है, कोई इसकी इजी। और मज़े की बात है कि ये बहुत सस्ता पौधा है, ये 50 रुपये का एक 100 रुपीज़ का बाज़ार से नर्सरी से इजीली मिल जाता है ग्रो किया हुआ, अगर आप लगाना चाहें। अच्छा जी, ये था आज का खूबसूरत सा दरख्त जिसको नाम याद रखना है, क्या कहते हैं, कोरल ट्री, गुले निश्तर, या इसको इंडियन कोरल ट्री भी कहते हैं, और एरिथ्रीना इसका साइंटिफिक या कॉमन नेम है। तो इसको हमने लगाना होता है ग्रीन बेल्ट के ऊपर, पास्ट के अंदर लगा सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं, और इसकी 30 मीटर तक हाइट हो जाती है, इसलिए बिल्डिंग के बिल्कुल करीब मत लगाएं, घर के अंदर भी बहुत मुनासिब दरख्त नहीं है। और याद रखना है कि इसके जो स्टेम होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं।